Assalamualaikum everyone and welcome back. This is Ms. Sameen, your teacher, and in today's class we are going to learn about nouns. This is a very basic topic of English grammar and I would like you all to recall what you have studied in earlier classes. You must have known about the things in your surroundings, presence in your surroundings, and the most easiest definition of noun is कि किसी भी चीज का नाम, कोई भी चीज जिसका नाम मौजूद हो इज कॉल्ड अ नाउन. कोई भी चीज, दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, चाहे वो ह्यूमन मेड हो, चाहे वो मेड बाय अल्लाह हो, जो भी चीज तकलीफ में आ गई और जिसका नाम है, दैट इज कॉल्ड अ नाउन. ये तो एक इनफॉर्मल सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडियाज. कोई भी चीज जो कि एक किसी शख्स, कोई शख्स हो, कोई जगह हो, कोई जानवर हो, कोई चीज हो, कोई एहसासात हो या कोई ख्यालात हो, कोई भी चीज वो नाउन कहलाती है. नाउन इज, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, वो वर्ड्स जो किसी चीज का नाम हो. ठीक है, अ मोबाइल फोन, अ डस्टर, अ मार्कर, a pen, a desk, a board, a table, a chair, a fan, an air condition, anything which has an existence, uska wujood hai, is a noun. Okay, here I gave you some examples. I have written some examples of noun: boy, girl, anam, Karachi, love, hate. Okay, so idhar main ek cheez aapko point out karna chahungi. I have written 1, 2, 3, 4, 5 and 6 examples for you. But I have written only Anam and Karachi with a capital letter. Why? मैंने boy का B capital क्यों नहीं किया? मैंने girl का G capital क्यों नहीं किया? मैंने love का L capital क्यों नहीं किया? Hate का H capital क्यों नहीं किया? Because there is a reason. हम जब आगे बढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन एंड प्रॉपर. अनम एंड कराची आर प्रॉपर नाउन्स. नाउ व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स? बॉय, गर्ल, लव, हेट इज अ कॉमन नाउन. नाउ व्हाट आर कॉमन नाउन्स? कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ a general thing which is not special, which is not only one. कोई भी ऐसी चीज जो कि एक नाम है. ठीक है, कोई क्लास हो, कोई ग्रुप हो, कोई ऐसी चीज जिसमें कोई खास बात ना हो. फॉर एग्जाम्पल बॉय, इट कुड बी एनी बॉय. अगर मैं क्लास में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उसमें से मैं बोलती हूँ बॉय, तो इट कुड बी ऑफ एनी बॉय, कोई भी वो लड़का हो सकता है. बट अगर मैं किसी का नाम लू, दैट यू हसान, सो हसान इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, ऑफ अ स्पेसिफिक और अ स्पेशल पर्सन. देयर इज ओनली वन हसान इन द क्लास. ओके, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन. गर्ल, इफ आई एम सेइंग अ गर्ल इन द क्लास, सो इट कुड बी ऑफ एनी गर्ल, कोई भी लड़की हो सकती है. But if I'm saying Anam, so there is a one Anam, there is a specific name, there is a particular name of a girl, and it's a proper noun. This is the main difference of common noun and proper noun. And always remember that we always use proper noun, the first letter, capital.